ह्यूमैनिटी के आंदोलन के अंतर्गत दिस इज मेजबिन सुपारी वाला लोकल रेजिडेंट्स में से ही हैं हम. शी इज सुचिता शबीर और जावेद अब्बास साहब. जावेद जैदी हम तीनों मिलके और प्लस यहाँ के कोटेवाड़ी के लोग मिलके यहाँ से डेलीगेट बना के गए थे अजय सर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक. एंड वी बीन टू कलेक्टर्स ऑफिस और वहाँ पे हमने एक लेटर सबमिट किया जो एक अपील है टू द डिपार्टमेंट के वो उनको शेल्टर प्रोवाइड करें. और इट हैज़ बीन कंसिडर्ड, कई मतलब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है कि भाई उन्होंने बोला कि हम इसको कंसिडर करेंगे और आगे का जो भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा. तो वी विल बी डेफिनेटली फॉलोइंग अप, इस चीज़ को लेके हम लोग फॉलो अप करेंगे आगे भी कि ये मामला कहाँ तक पहुँचा. इट इज़ नॉट ओनली दैट कि ये यहीं पे ये सिर्फ पब्लिक जमा हो रही है, उतने हद तक के नहीं रुका है. दो आज का आखिरी दिन है ज़रूर, क्योंकि सारे लोग जितने लोग जमा हो रहे हैं सभी के अपनी अपनी लाइव्स हैं. दे के नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर टाइम, बट डेफिनेटली ये मूवमेंट तो चलती रहेगी टिल द टाइम इनको जस्टिस ना मिले. हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये आखिर तक जाए, आगे तक जाए बात. 50-60 लोग फैमिलीज डिस्ट्रॉय हुई, मतलब उनके घर तोड़े गए. और तकरीबन 150 लोग रास्ते पे हैं जिनमें बहुत छोटे बच्चे हैं, महिलाएं. हमारा यही रिक्वेस्ट रही टू द डिपार्टमेंट के भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन के अंतर्गत बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन यहाँ तो बेटियाँ और औरतों को रास्ते पे फेंक दिया गया है. महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं देखी जा रही. इनके शेल्टर के लिए बात हो रही है या इनको टेम्पररी शेल्टर या जो कुछ भी प्रशासन कर सके. हमारी मांग सिर्फ उतनी है कि प्रशासन इस तरीके से इनह्यूमन तरीके से कोई काम ना करे इनके साथ में जो हुआ है. खाली वही एक हमारा ग्राउंड रहा. हम फॉरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है, हम मैनग्रोव्स के अगेंस्ट नहीं है, कुछ नहीं है. ऐसे हमारा कोई दावा या मुद्दा ये नहीं है कि इनको वापस उधर ही जाने दिया जाए. ओनली थिंग इज़ दैट कि ये इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कंसिडर करना चाहिए था. स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इनको जो दिया गया था उसको कंसिडर नहीं किया गया. बहुत सारी तकलीफें ये लोग जो फेस कर रहे हैं प्रैक्टिकली, उन तमाम चीज़ों को कंसिडर करने की ही अपील थी आज जो हम लोग सारे लोग मिल के गए थे. जी सर, विल बी द बेटर. सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ ये नॉन पॉलिटिकल, हम नॉन पॉलिटिकल हैं और प्रिंसिपल अजय कौल जो हमेशा इंसानियत के लिए और मनुष्यता के लिए काम करते आए हैं उनकी आवाज़ पर आज हम सब जमा हुए हैं. हम मैनग्रोव्स के या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हम उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो जिस तरह से बगैर नोटिस के एक रात में इनको यहाँ से उजाड़ दिया गया है, इसमें 3 महीने का बच्चा भी है, 6 महीने का बच्चा भी है. सर्दियों की रात है, कोई शेल्टर नहीं है, मॉस्किटोज़ हैं, डेंगू फैल सकता है, मलेरिया फैल सकता है, दूसरी बीमारियां लग सकती हैं. सैनिटेशन का कोई यहाँ प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं है. उस सिलसिले में आज मैं और सुचिता पूनावाला और हमारी बहन मेजबीन सुपारी वाला कुछ और लोगों के साथ हम गए थे वहाँ पर. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और हमको जो अपॉइंटमेंट भी मिला है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अजय कौल की वजह से वहाँ अपॉइंटमेंट भी मिला. और बहुत अच्छी तरह से कलेक्टर ने हमसे बात की है. और लेकिन ये आंदोलन आज यहाँ लास्ट डे है ज़रूर, लेकिन ये जब तक के इनको रिहैबिलिटेट नहीं किया जाता है तब तक के हम चैन से नहीं बैठेंगे. ये भारतीय नागरिक हैं, इसमें कोई बांग्लादेशी नहीं है, सब हिंदुस्तानी हैं और यहाँ 20 साल से रह रहे हैं. सबके पास आधार कार्ड है, दूसरी उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है. और इनको इस तरह से यहाँ से, हम ये नहीं कहते कि आप यहीं बसाइए, उनको कोई ना कोई तो जगह दीजिए. ये भी हमारे शहरी हैं, हमारे मुल्क के रहने वाले हैं, हमारे देश के रहने वाले हैं, इनको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए.